ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान में मो पुलिस को 307 के फरार आरोपियों को पकड़ने में मिली सफलता। एक बंदूक की बरामद। जानकारी अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, एसटीओपी गोहद परमाल सिंह के निर्देश अनुसार फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ अभियान में थाना मोमयास थाना प्रभारी प्रेम किशोर चतुर्वेदी के द्वारा उप निरीक्षक राम बाबू सिंह यादव की सक्रिय भूमिका रही। मुखबिर तंत्र पर फरार आरोपियों के घर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के घर से एक 12 बोर की दुनाली बंदूक भी जब्त की गई है। फरार चल रहे आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज सिंह के द्वारा आरोपियों पर 3,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। आरोपियों पर अपराध क्रमांक 130/2020 पर 307/2/9434 की कार्यवाही भी की गई थी। आरोपी महिपत सिंह पिता महेंद्र सिंह भदौरिया, उम्र 60 वर्ष निवासी पटकोली, हंसराज सिंह पिता कृपाल सिंह भदौरिया थाना मऊ ग्राम पटकोली दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में सराहनीय भूमिका निभाने में रहे पुलिस के जवान थाना प्रभारी प्रेम किशोर चतुर्वेदी, उप निरीक्षक नितेन सिंह मावई, उप निरीक्षक राम बाबू सिंह यादव, उप निरीक्षक अभिषेक सिंह, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह गुबरेले, आरक्षण जहीर मोहम्मद, ओमवीर अजय यादव, इरशाद अली आदि की अहम भूमिका रही। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदेश ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। सर, जो आपने दो इनामी आरोपी पकड़े हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये थाना मऊ में अपराध क्रमांक 130/2020 धारा 307 IPC, इसमें काफ़ी समय से फरार चल रहे थे आरोपीगण, और इनको जो है कल मुखबिर की सूचना से इनके गांव से लौटते वक्त इनको मैं हथियार के गिरफ्तार किया है। आरोपी हंसराज भदौरिया एवं आरोपी महिपत सिंह भदौरिया, इनके कब्जे से एक 12 बोर की दोनाली बंदूक जब्त की गई है, जो इन लोगों ने घटना में उपयोग की गई थी, और इन पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ठीक है।